सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी कोई जो रार फाइल या फिर कोई जिप फाइल जिसमें पासवर्ड पड़ा हुआ है और आप उसका पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से अनलॉक कर सकते हैं और उसमें जो भी आपके फ़ोटो डॉक्यूमेंट और वीडियोस हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो किस तरीके से आपको देखना है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर हम अगर जिप फाइल को क्रिएट करते हैं और उसमें पासवर्ड सेट करके अपने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ या फिर जो भी हमारा है उसको हम उसमें डाल देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं, बट हम कुछ दिनों बाद अगर उसको ओपन करते हैं और हमें पासवर्ड नहीं ध्यान है तो वहाँ पे कोई फॉरगेट वाला ऑप्शन भी नहीं आता है। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर जाना है और ऊपर की साइड आपको यहाँ पर लिखना है लॉस्ट माई पासवर्ड, लॉस्ट माई पास, यहाँ पे इसको सर्च करना है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट साइड जो आ रही है, यहाँ पे अनलॉक पीडीएफ वाला दिखेगा आपको, तो इस पर करना है, ठीक है। और नीचे की साइड आएंगे तो देखिए आई एम नॉट अ रोबोट, तो यहाँ पे आप आई एम नॉट अ रोबोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको देखिए क्लिक हेयर यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपको फाइल वाला ऑप्शन शो होगा। इस पर क्लिक करके आपकी जो भी फाइल है, मतलब जो भी जिप फाइल है जिसका आप पासवर्ड भूल चुके हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी ए टू जेड सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह कुछ भी यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला एक फ़ोटो ले लिया, ठीक है। इसको लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये मेरा हो नहीं है, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, मेरे पास इस टाइम कोई जीप फाइल नहीं है। तो इस तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या है। आपको यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपको एक ये जीमेल भेजेगा, ठीक है, ईमेल मांगेगा। आपको अपनी ईमेल डाल देनी है, मतलब जीमेल आपको एक अपनी डाल देनी है। तो आपका ये ईमेल मांगेगा, आपको ईमेल डालने के बाद आपके ईमेल पर ये टाइम भेज देगा कि आपको कितनी देर में आपका पासवर्ड अनलॉक करके ये दे देगा। ये आपके जीमेल पे ये बता देगा कि कितनी देर में आपको ये आपकी फ़ाइल अनलॉक करके दे देगा और उसका पासवर्ड भी आपको शो हो जाएगा उसी जीमेल पे। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लग सकता है आपको, जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इसको बिल्कुल यहाँ से इसको इस तरीके से क्लोज़ कर देना है। आपको यहाँ पे इसका जो टैब आता है ये ऊपर की तरह, जैसे कि टैब हमारे खुले होते हैं, ओपन होते हैं, इसको नहीं काटना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। आपको ये जब अनलॉक हो जाएगा तो आपकी जीमेल पे ये पासवर्ड उसी पासवर्ड को भेज देगा जो आपकी फ़ाइल अनलॉक कर रहा है। ये आपकी टाइमिंग लेगा, ये कम से कम 2-2 घंटे ले या 4 घंटे ले, जो भी टाइमिंग ले, उस टाइमिंग के बाद में आपकी जीमेल पे वो पासवर्ड भेज देगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन बंदों की जो बता रहे हैं कि हमारे जीमेल पे पासवर्ड नहीं आता है। तो आपको वो वाली जीमेल डालनी है जो आपके मोबाइल में ओपन हो और उसी जीमेल पे आपका पासवर्ड आता है। तो कई बंदे दूसरी जीमेल, अपनी पुरानी जीमेल डाल देते हैं या फिर फेक कोई भी जीमेल को उसको लॉगिन कर देते हैं, सोचते हैं हमारे इस पर क्या ही काम होगा इसका, लेकिन उस जीमेल पे आपकी जो फाइल होती है उसका पासवर्ड जाता है। तो आपको एक अपनी जीमेल डालनी है जिस पे कि वो पासवर्ड आ सके।